इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जानकारी मिलेगी इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे दिस वीडियो विल गिव यू इन्फॉर्मेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस सो स्टे यू टिल द एंड कैन होम्योपैथी क्योर कोविड नाइन्टीन बाय डॉ पीयूष फुलारा शॉर्ट आंसर येस लॉन्ग आंसर इन टू पार्ट्स येस सिंस नो बड़ी डाइज ऑफ कोविड नाइन्टीन एज अ डिसीज बट ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस कॉज बाई इट इन अवर बॉडी वन कैन सिंपली टेक Homeopathic remedies as per the symptoms, individual selection. The symptoms won't be fatal and recovery is possible as usual within a few weeks. No, common misconception is that it can cure or prevent virus infection. It simply doesn't. Nothing does as of now. It's like a shield but not a repellent. Kindly understand the difference between prevention, treatment, एंड रिकवरी बिफोर जम्पिंग टू कंक्लूजन्स एंड क्रिटिसाइजिंग एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आई एम एनक्लोजिंग अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ माई आंसर टू फॉर अ वाइडर ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग हावेवर इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर रिगार्डिंग द एक्सप्लेन ऑफ दिस आंसर फील फ्री टू ई द कमेंट और टेक्स मी ऑन फेसबुक एज डॉ पियूष फुलारा संक्षिप्त उत्तर हाँ विस्तृत उत्तर दो भागों में हाँ चूँकि कोई भी व्यक्ति कोविड नाइन्टीन बीमारी के तौर पर नहीं अपितु उससे होने वाले चरम लक्षणों के दुष्प्रभाव से मरता है हम सरलता से होम्योपैथिक दवाओं से उसके लक्षणों के आधार पर व्यक्ति विशेष उनकी गंभीरताओं को कम कर सकते हैं ताकि वह जानलेवा ना हो और बीमारी कुछ ही हफ्तों में अपने वास्तविक समयानुसार समाप्त हो जाएगी नहीं सामान्य भ्रांति यह है कि हम दवाओं से वायरस का निदान कर सकते हैं वह स्वयं का बचाव कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह एक रक्षा कवच हो सकती है किंतु इसे रोग विकर्षक नहीं कहा जा सकता है हमें इस तरह के कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बचाव उपचार और सामान्यता के अंतर और अर्थों को समझ लेना चाहिए मेरे उत्तर के लिए अपनी प्रतिक्रिया आप नीचे दे सकते हैं धन्यवाद